हेलो एवरीवन एंड वेलकम, मेरा नाम गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पे व्हील और वक्त हो चुका है हमारा क्यू एन ए सेशन का, जहां आपके सवालों के मेरे पास जवाब है। सो आज वाला क्यू एन ए सेशन भी बाइक के ऊपर है, बिकॉज आई एम जस्ट चेकिंग आउट दिस बाइक, इट इज़ अ कूल बाइक आई विल टेल यू। एंड राइट नाउ मैं अमृतसर में हूँ, मैं इंडिया गेट से स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, अमृतसर के अंदर भी एक इंडिया गेट है। एंड आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है, बिकॉज मैंने पीछे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, इसलिए मेरे पास क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा नहीं है। आई वॉज गोइंग फॉर अ रिव्यू ऑफ पुंटो, लेकिन किसी रीज़न से मुझे वो पुंटो गाड़ी नहीं मिली, तो मैंने फिलहाल वो वीडियो नहीं किया। बट इस वीक मैं पुंटो और वेंटो दोनों की रिव्यू करने की सोच रहा हूँ। एंड आज का वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा, सेकेंड हैंड कार के लोग मुझसे प्राइसेस पूछते हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एंड अच्छी बात भी है, क्योंकि मैं ओल्ड कार्स की रिव्यू करता हूँ, तो लोगों को लगता है ये ओल्ड कार वाला चैनल है, तो यहाँ पर सिर्फ पुरानी गाड़ियों की बातें होती है और मैं लोगों को प्राइसेस बताता रहता हूँ। मैं पहले बताता भी था, लेकिन मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि मैं प्राइसेस आगे से नहीं बताऊंगा, और मैं क्यों नहीं बताऊंगा उसका रीज़न मैंने उस वीडियो में दिया था। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो गाड़ी आप देख रहे हो वो गाड़ी मैं नहीं देख सकता रियल लाइफ में, और फोटोज़ को देखकर मुझे नहीं पता चलता। कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो भेजते हैं कि सर ये वाली मैंने फोर्ड फिगो देखी है या ये वाली मैंने होंडा सिटी देखी है, तो आप बताओ उसको कैसे पैसे दें। सी, मैं वो चैनल हूँ ही नहीं जो आपको पुरानी कार दिखा के कहता हूँ ये कार आप ले लो, खरीद लो, ये गाड़ी सही है, राइट। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर जो ये काम करते हैं, वो आपको सिर्फ कार का पेंट दिखाएंगे, आपको अंदर से कार ड्राई क्लीन दिखाएंगे और बोलेंगे आप ये कार को खरीद लो। अनफॉर्चुनेटली मैं वो चैनल नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ रिव्यू करता हूँ कौन सी गाड़ी चलने में कैसी है, किस गाड़ी का अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एंड अगर आप सेकेंड हैंड कार की बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सीरीज़ जरूर बना रखी है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कारों को कैसे स्टडी करना है, तो वो सीरीज़ मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा। अपार्ट फ्रॉम डैट, देखो फोटो देखकर या कंडीशन, सिर्फ बातें सुनकर चार मैं आपको रेट नहीं बता सकता। मैं एक आइडियल रेट दे देता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है तो आप उसका इतना पैसा दे दो, लेकिन हर कमेंट के और रिप्लाई करना या हर कमेंट के सेकंड हैंड कार प्राइस के लिए वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं लगता। इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं OBV का टूल यूज़ करता हूँ, OBV का जो कार वैल्यू टूल है, एंड पर्सनली मुझे वो टूल बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट के पास लगता है। मतलब मैं कहूँगा कि मुझे कोई मोस्ट एक्यूरेट टूल ढूंढना है तो मुझे OBV ठीक लगता है, OBV वैल्यू वाला, बिकॉज उनके जो कार प्राइसेस हैं और जो मेरे शहर में कार प्राइसेस हैं वो OLX पर मैंने बहुत बार मैच किए हैं, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं प्राइसेस, राइट। कुछ 10-12 हज़ार का फ़र्क होता है। एंड अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार पर प्राइस देना चाहते हो तो आप OBV टूल का इस्तेमाल करो, OBV पर आप प्राइस चेक करो, राइट। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली सिर्फ मारुति कार्स के लिए, जो मारुति सुजुकी की कार्स हैं वो थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड हमेशा रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको OBV कुछ रेट दिखा रहा है, इट कुड बी फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी गाड़ी देख रहे हो और OBV आपको कह रहा है 2 लाख रुपया, तो अगर वो कोई और कंपनी की कार है तो आप ट्राई करो कि आप उसको 2 लाख से अंडर में कट कर लो। लेकिन अगर वो मारुति की कार है तो देर आर चांसेस कि वहाँ पर जो आपको रेट मिलेगा लोकल मार्केट में, वो आपको उस OBV के मुकाबले 10-15-20 हज़ार रुपये ऊपर ही देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है यहाँ पर चीज़ें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कार OBV वाले रेट से सस्ते में मिल जाए बहुत, तो ये मत सोचना कि OBV इसका इतना वैल्यू दे रहा है मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं जाके कार उठा लूँ। OBV एक एवरेज रेट बताता है आपको, तो एक बार जाके आप उस कार का ना प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कीजिए, क्या वो कार एक्सीडेंटल वगैरह तो नहीं है, क्या हो सकता है आपने OBV के अंदर कम इन्फॉर्मेशन डाली हो लेकिन रियल लाइफ में कार के अंदर कोई और इशू हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेक करो और OBV पे आप रेट का आइडिया ले लो कि कितना रेट सही है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने OBV से काफ़ी ज़्यादा लोगों की शॉपिंग करवाई है, एंड बहुत अच्छी डील हमको OBV के ऊपर देखकर मिल जाती है कि क्या रेट कार का होना चाहिए और कितना हमको उस कार का देना चाहिए, राइट। सो आप OBV का यूज़ करो एंड आपको वहाँ पर अच्छा रेट मिल जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अवर फर्स्ट क्वेश्चन, राम सिंह जी की तरफ से। 1200 cc नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन और 1000 cc टर्बो इंजन में कौन सा लॉन्ग लाइफ होगा या किसका लेस मेंटेनेंस होगा? देखो, अगर मैं सिर्फ पार्ट्स की बात करूँ और एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ कि एक इंजन होता है नेचुरली एस्पायरेटेड, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, और टर्बो इंजन के अंदर एक एडिशनल पार्ट होता है टर्बो का जो अपना अलग से घूमता है और बहुत ज़्यादा RPM के ऊपर घूमता है। अगर मैं सिर्फ बेसिक देखूँ तो टर्बो इंजन की मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और लाइफ टर्बो इंजन की थोड़ी सी कम होनी चाहिए बिकॉज वो हाई प्रेशर पर काम करता है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेट किया जा सकता है, यानी आप किस टाइप के इंजन को किससे कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि आपके दोनों इंजन नेचुरली एस्पायरेटेड और टर्बो कितने प्रेशर पे ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा नेचुरली एस्पायरेटेड आप पेट्रोल आपने लिखा है, मुझे लगता है आप टर्बो भी पेट्रोल को ही मानना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर टर्बो और डीजल का अलग अलग डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन आपका कितने सीसी का है, सॉरी सीसी आपने बताया, नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन आपका कितने सिलेंडर है और टर्बो इंजन आपका कितने सिलेंडर है, उससे फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि हमारे देश में टर्बो इंजन जो भी 1000 cc के पेट्रोल हैं वो यूजुअली 3 सिलेंडर हैं और नेचुरली एस्पायरेटेड आपके 4 सिलेंडर हैं। तो यहाँ पर फ़र्क क्या हो गया, आपका नेचुरली एस्पायरेटेड अगर आप 1200 कह रहे हो 4 सिलेंडर, तो आपका 1 सिलेंडर होगा नियरली 400 cc का, और टर्बो अगर आप 1000 cc देख रहे हो तो आपका 1 सिलेंडर होगा 330-331 ऐसे cc का होता है यूजुअली, 998 cc, 999 cc में।
तो यहाँ पर इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा फ़र्क पड़ता है आप इंजन कौन सा देख रहे हो, सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट या डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट, यहाँ पर भी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। तो देर आर मेनी एस्पेक्ट्स, मैं एकदम से डायरेक्टली नहीं कह सकता कौन सा इंजन कम मेंटेनेंस होगा या लॉन्ग लाइफ होगा, ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जिस कैपेसिटी की आप बात कर रहे हो ना 1200 से 1000, देखो ये 1200 से 1000 कोई बहुत तगड़ी वाली कैपेसिटी नहीं है, तो यहाँ पर दोनों इंजन ऑलमोस्ट एक जैसे ही होंगे। कमिंग टू बिगर इंजन, आप देख रहे हो 4000 cc का नेचुरली एस्पायरेटेड और 4000 cc का ही टर्बो इंजन, तो वहाँ पर डिफरेंस हो सकता है कि भाई हाँ टर्बो इंजन थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पर कह लो आप कि क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर पे काम कर रहा है, तो हो सकता है वो कम्प्लीटली सिंथेटिक ऑयल ही मांगता हो और जो आपका नेचुरली एस्पायरेटेड है उसको आप सेमी सिंथेटिक पे चला सकते हो। तो देर आर मेनी फैक्टर्स जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मतलब कि अफेक्ट करती हैं इस क्वेश्चन को, एंड इसका कोई डायरेक्ट आंसर मैं आपको प्रैक्टिकली तो नहीं दे सकता। थ्योरेटिकली मैं कह रहा हूँ कि हाँ टर्बो इंजन क्योंकि एक पार्ट उसमें एक्स्ट्रा है तो उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी उस हिसाब से बढ़ जाती है। जहाँ तक लॉन्ग लाइफ की बात है ना, तो यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, जितने भी टर्बो इंजन होते हैं ना उनके उनका जो हेड वगैरह होता है या जो बाकी छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं वो डिपेंड करता है वैसे कंपनी टू कंपनी, बट टर्बो इंजन यूजुअली थोड़े से हैवी भी बनाए जाते हैं ताकि उनकी भी लाइफ ऑलमोस्ट बराबर सी रहे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा हाईर प्रेशर पे काम करना होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप डायरेक्टली किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी वाइज कह सकते हैं कि नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन क्योंकि सिंपल होते हैं तो उनकी मेंटेनेंस कम होती है, उनको संभालना थोड़ा सा ईजी होता है, प्लस वो अपने आप से इश्यूज़ भी कम जनरेट करेंगे। बट अगेन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंजन एंड व्हाट पर्टिकुलर इंजन आर यू टॉकिंग अबाउट। सेकंड क्वेश्चन है करण मोंगा जी का, VXI और LXI विच जो डिफरेंस की है, वैगनर की वीडियो पे इन्होंने ये डाला है क्वेश्चन। सबसे पहले तो करण मोंगा जी तुम मैंने दसो कि तुम गड्डी कड़ी की गल करते पे हो, तुम एसए वैगनर की गल करते पे हो या नवी वैगनर की गल करते पे हो, आप कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं, पुराना मॉडल या नया मॉडल, बिकॉज मॉडल टू मॉडल भी डिफरेंसेज आते हैं। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूँ तो VXI में मोस्टली सारे फीचर होते हैं, LXI में फीचर थोड़े से कम होते हैं, LXI थोड़ा सा नीचे मॉडल होता है। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं और आप कह रहे हो कि मैं बाहर से सामान लगवाऊंगा तो LXI इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आप कहते हो कि सारा कंपनी से लगा लगाया आ जाए मुझे कुछ ना लगाना पड़े, तो VXI इज़ अ बेटर ऑप्शन। जहाँ तक डिफरेंसेस की बात है तो VXI मॉडल पहले लोडेड मॉडल होता था, अब उसके ऊपर ZXI आना शुरू हो गया है। VXI में आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाएंगे, आपको कंपनी का स्टीरियो मिल जाएगा, आपको टायर्स के ऊपर व्हील कैप मिल जाएंगे, आपको बॉडी कलर हैंडल मिल जाएंगे, छोटे मोटे फीचर्स होते हैं। LXI के अंदर आपको पीछे पावर विंडो नहीं मिलेगी, स्टीरियो आपको लगवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक जो आपके मिरर होंगे बाहर के वो अंदर से एडजस्ट नहीं होंगे, उसके अलावा आपको व्हील कैप नहीं मिलेंगे, या कह लो आप ABS और एयरबैग का ऑप्शन नहीं होता था LXI के अंदर, VXI में ऑप्शनल एयरबैग या ABS भी आता था आई गेस। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको VXI में नहीं मिलेंगे। ओवरऑल आपका सारा पैकेज एक जैसे ही होगा, एंड जो बेसिक आपकी नेसेसिटीज़ होंगी जैसे AC, पावर विंडो, हीटर, वो सब आपको LXI के अंदर भी मिलता है। VXI में सिर्फ कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जो आप बाहर से लगवा सकते हो। VXI में एक सेंट्रल लॉकिंग भी होती थी, तो ऐसे कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरान जी का, प्लीज़ टेल मी ZNSTILO का फ्यूल टैंक कितने लीटर का है। इमरान जी 35 लीटर का फ्यूल टैंक है ZNSTILO का, एंड 35 लीटर होती है बेयर मिनिमम कैपेसिटी, इससे 2-3 लीटर ऊपर आ जाता था मेरी गाड़ी में, मुझे इतना तो ध्यान है। बाकी अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये सब चीज़ें तो यार आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, स्पेसिफिकेशन के अलावा कोई चीज़ पूछा करो। आदित्य सिंह जी का क्वेश्चन है, हैरियर में इंजन लाइट इशू आ रहा है क्यों, प्लीज़ बता दो। ऑलराइट आदित्य जी, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको इंजन का इशू आ रहा है, पहले तो यहाँ पर डिपेंड करता है वो कितने किलोमीटर्स पे आ रहा है। अगर आपकी गाड़ी 14,000 चल चुकी है तो 14,000-14,500 के बाद ना यहाँ पर एक इंजन लाइट अपने आप ग्लो करती है सर्विस के लिए। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, प्लीज़ यूट्यूब पर मत देखो या किसी फॉरम्स के ऊपर मत पढ़ो, लोग बहुत ज्ञान देते हैं बिना किसी बात का, उनको लगता है किसी की गाड़ी में हवा निकली तो वो ज़रूर पंचर से ही निकली होगी, उनको एक्स्ट्रा कोई बात समझ नहीं आती कि क्या पता टायर लीक हो गया हो, क्या पता अलॉय कहीं से बेंड हो गया हो, बस वो सोचते हैं हमारा पंचर हुआ था तो इसका भी पंचर ही हुआ है। तो प्लीज़ इंटरनेट पे ये वाले ज्ञान मत लो, आपकी गाड़ी महंगी है, इसको सर्विस सेंटर जाकर दिखाओ और उनसे पूछो ये चीज़ क्यों हुई है। वैसे तो सर्विसिंग टाइम के पास अपने आप ग्लो करता है, बट मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा, चाहे आपको पता भी हो ये क्या हो रहा है फिर भी वो कंपनी में जाकर गाड़ी ज़रूर दिखाओ, क्योंकि बड़ी गाड़ी का देखो आपकी गाड़ी है, इसका रिस्क मैं खुद भी नहीं लूँगा कि मैं आपको कुछ बोल दूँ कि इस पर ऐसा हुआ होगा, हो सकता है बैटरी लीक हो सकता है कोई छोटा मोटा फर्क हो, आप कंपनी में जाकर गाड़ी दिखाओ, बेटर ऑप्शन सबसे आपको यही रिकमेंड करूँगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, TTK01 एज सीन डेट यू आर ए जेन्युइन कार रिव्यूअर, थैंक यू माई फ्रेंड, शुड आई बाय क्रेटा डीजल SXO ऑप्शनल और स्कॉर्पियो S11, व्हाट्स योर सजेशन, एंड यस प्लीज़ डू अ रिव्यू स्कॉर्पियो BS6। तो स्कॉर्पियो पे मेरी नज़र है बहुत टाइम से, कहीं से मुझे मिल जाए तो मैं रिव्यू करता हूँ उसका। लेकिन जहाँ तक बात है स्कॉर्पियो एंड क्रेटा की, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मुझे क्रेटा बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पर मैं क्रेटा ले लूँगा। स्कॉर्पियो में मुझे क्या खराबी लगती है, स्कॉर्पियो इज़ अ बिग कार,
एंड दैट इज़ दी ओनली पॉजिटिव इन स्कॉर्पियो। बस बात खत्म हो गई। स्कॉर्पियो बड़ी गाड़ी है, आप ऊपर होकर बैठती हो, आप सेवन सीटर आपको मिल जाती है सस्ते में, खत्म। देर इज नो अदर बेनिफिट स्कॉर्पियो लेने का। अगर आप स्कॉर्पियो का मन बना रहे हो S11 का, स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल वाले पैसे खर्च रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप XUV500 ले लो। अगर आपको सेवन सीटर ही चाहिए तो स्कॉर्पियो मत लो। स्कॉर्पियो बहुत ही अनसेफ गाड़ी है। लुक्स में स्कॉर्पियो बहुत सेक्सी है, ये पक्की बात है, सबको पता है। DRL अच्छी है, इंस्टाग्राम पर उसको माफिया वाली गाड़ी कह देते हैं, राइट। ब्लैक में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उस पर बड़े अलॉय लगवाओ। देखने में गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एस्थेटिकली कार इज़ वेरी प्लीजिंग, लेकिन उसकी ना राइड अच्छी है ना उसकी सेफ्टी अच्छी है। तो ऐसी गाड़ी लेकर आप क्या करोगे जिसकी ना राइड अच्छी हो ना सेफ्टी अच्छी हो, एंड फीचर्स के मामले में आपको क्रेटा में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रेटा की तरफ जाऊँगा। स्कॉर्पियो सिर्फ एक बड़ी सेवन सीटर है, इसमें एडिशनल कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक फीचर्स मिलते हैं जो आपको हर गाड़ी में मिलेंगे, जैसे पावर विंडो हो गया, आपका वन टच हो सकता है किसी एक शीशे में लगा हो ड्राइवर वाले में, आपको स्टीरियो अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, आवाज़ सुनने में उसकी ठीक होती है, कोई ख़राब नहीं होती। आपको एडिशनल जो भी बेसिक फीचर्स इन गाड़ियों के अंदर आते हैं ना महंगी वालियों में, वो आपको थोड़े थोड़े मिलने शुरू हो जाते हैं, बट मैं स्कॉर्पियो को प्रेफर नहीं करता। अगर आपने स्कॉर्पियो लेनी है, अगर आपका सिर्फ सेवन सीटर का ही मन है, तो चाहे आप मराजो ले लो जो कि बिल्कुल स्कॉर्पियो जैसी नहीं है देखने में, नहीं तो XUV500 ले लो। मैं कहूँगा XUV500 स्टिल अ बेटर कार, क्योंकि एटलीस्ट वो कंफर्टेबल तो है स्कॉर्पियो के मुकाबले। और XUV500 को ना अगर आप 120 या 140 पे चलाते हो, वैसे तो चलाना नहीं चाहिए, अगर आप चलाते हो तो वो स्कॉर्पियो के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल भी है, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इधर XUV500 और कम बैक टू क्रेटा डीजल SXO। एंड अगर आप XUV का मन बनाते हो, आपको लगता है कि चलो ठीक है XUV की तरफ बढ़ते हैं, तो XUV500 का नया वेरिएंट आ रहा है। अगर आप S11 जितना पैसा खर्च रहे हो, क्योंकि मेरे ख्याल से S11 भी ऑन रोड आई थिंक 18-19-20 लाख का पड़ता है, तो अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो तो मैं कहूँगा एक बार रुको, XUV500 का नया मॉडल आने दो, उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, राइड क्वालिटी वो सुधार रहे हैं, मेरे को लगता है वो पावर भी एडिशनल देंगे, क्योंकि हैरियर की पावर XUV500 से ज़्यादा फील होती है, और कंपनी को पावर में भी कॉम्पिटिशन रखना है, तो मेरे को लगता है XUV500 इस पर दमदार आएगी। आप वेट करो, या XUV500 लो, या फिर बाद में XUV500 जब न्यू आ जाएगी तो उसका नाम ले लेकर क्रेटा पर डिस्काउंट करा लेना, या क्रेटा लेना। स्कॉर्पियो यार इट इज़ एन अनसेफ कार, इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। थोड़े बहुत हेल्थ इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा, बट अब मैंने दोबारा एक्सरसाइज करना शुरू किया है, तो देखते हैं वो हेल्थ को हम थोड़ा कंट्रोल में लेते हैं। अगले हफ्ते मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, वेंटो, पुंटो एंड बलिनो। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले किस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहोगे, पुंटो पेट्रोल, वेंटो डीजल या बलिनो पेट्रोल। एंड वेंटो अभी वाली नहीं है, वेंटो भी पुरानी है, पुंटो भी पुरानी है, एंड बलिनो, यस बलिनो इज BS6 पेट्रोल। तो आप बताओ आप किस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हो, एंड वो गाड़ी का आपको रिव्यू सबसे पहले मिलेगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।